जय श्री राम। दशहरा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज विषय दशमी का पर्व है, हर साल दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। वहीं इस दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे कामों का वर्णन किया गया है जिन्हें विजयदशमी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में कंगाली छाने लगती है। तो आइए जानते हैं दशहरा के दिन किन कामों को करने से बचना चाहिए। जैसा कि दशहरा सत्य, धर्म और कर्म का पर्व है, ऐसे में इस दिन किसी भी स्त्री या बड़े बुजुर्ग का अपमान ना करें। मान्यता है कि इस दिन बड़े बुजुर्गों और स्त्रियों का अपमान करने से माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। तो वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक विजयदशमी के दिन किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करें, यानी कि किसी भी जीव को इस दिन नुकसान ना पहुंचाएं। आगे आपको बता दें कि दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का दिन है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन झूठ बोलने या फिर असत्य का साथ देने से बचें। प्रयास करें कि किसी भी तरह की झूठी बातों में आप शामिल ना हो। जानकारी के लिए बता दें कि दशहरा के दिन पेड़ पौधे काटना अत्यंत अशुभ माना गया है, खास तौर पर शमी का पौधा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पेड़ पौधे काटने से जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जीवन कंगाल होने लगता है। इसके अलावा विजयदशमी के दिन भूल से भी किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, इस दिन कोई भी गलत काम करने से बचे। चलिए अब आपको बताते हैं दशहरा के दिन क्या करना शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जीवन को सुखी बनाने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दशहरे के दिन पूरे श्रद्धा भाव से श्री रामचरितमानस का पाठ करें। तो वहीं दशहरे की शाम शमी पेड़ का पूजन अवश्य करें, साथ ही शमी पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और धन के भंडार भरेंगी। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए विजयदशमी के दिन नारियल को अपने से उतार कर रावण दहन की आग में डाल दें। सौभाग्य में वृद्धि होगी और रोग दोष से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार दशहरे के दिन इन कामों को करने से बचे, साथ ही कौन से काम करने चाहिए उस पर भी खास ध्यान दें। कुंडी टीवी डेस्क से तान्या की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।